दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश। दोस्तों आज मैं तीन प्रमुख खबरों पर चर्चा करूंगा। पहली खबर इस हफ्ते की जो 5 जनवरी की है, जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है और देशव्यापी इसकी चर्चा हुई, और वो है प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के समय सुरक्षा में चूक का मसला। इसको लेकर भारी विवाद मचा। और दोस्तों दूसरी जो हमारी खबर है कि प्रधानमंत्री के दौरे के समय सुरक्षा में चूक को लेकर जो पूरा राजनीतिक वितंडा खड़ा हुआ है पक्ष और विपक्ष की तरफ से, उसमें पंजाब का क्या मिजाज है, पंजाब की सियासत में उसका क्या असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर उसका क्या असर होगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव पर भी क्या उसका कोई असर पड़ेगा। और दोस्तों तीसरी जो हमारी प्रमुख खबर है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, कुछ ही समय पहले 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है, चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली खबर, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के समय सुरक्षा में चूक का मसला। दोस्तों अगर हम खबर को केवल रिपीट करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि खबर आपने पढ़ लिया है, आपने खबर की तरह तरह की व्याख्याएं भी टेलीविजन चैनलों में सुनी है, लेकिन मैं आपको सुरक्षा में चूक या प्रधानमंत्री की जान को खतरा, इस पूरे प्रकरण पर जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण कुछ, उनसे मैंने 2 दिन से लगातार उनसे बातचीत की है, कईयों से मेरी बातचीत हुई, और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जो बातें कही हैं मैं सबको कोट नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन जो लबोलुआब है, जो महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आते हैं, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि प्रायः सभी जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो नियम कानून है, जो तौर तरीके एडॉप्ट किए जाते हैं, उसमें चूक हुई है, उनके पंजाब दौरे में चूक हुई है। लेकिन वे सभी जिनसे हमने बात की वो ये मानते हैं कि उनकी जान को कोई खतरा किसी भी तरह का नहीं दिखा और न था। तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात इस खबर से निकलती है, और मेरी जो बातचीत है सिक्योरिटी एक्सपर्ट से या जिनसे जिनकी चीजों को मैंने पढ़ा है, तो उनका यह कहना है कि इसमें चूक किसी एक एजेंसी की नहीं कही जा सकती है, और कई बड़े महत्वपूर्ण जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो एसपीजी पर उंगली उठा रहे हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक सिटीजन नाम की वेबसाइट है, सिटीजन वेबसाइट पर मैं अविनाश मोहनाने साहब की एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें उन्होंने, ये फॉर्मर डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईबी में रह चुके हैं बहुत बड़े पद पर, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और इनका कहना है कि 5 जनवरी को सुरक्षा चूक हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा उसको लेकर था, उसमें था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह भी उनका कहना है। तीसरी बात जो वो बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं कि चूक तो उसी समय हो गई जब 100 किलोमीटर का रास्ता, यानी भटिंडा से लेकर के और फिरोजपुर तक का, हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से तय करने का फैसला किया गया, ये बात कहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि यह तो ठोस प्रमाण है कि किसने वो फैसला किया, वो फैसला किसका था। इसके अलावा उनका यह कहना है कि एसपीजी, आईबी और पंजाब पुलिस, क्या इनको यह मालूम नहीं था कि आकस्मिक बदलाव का जो कार्यक्रम है 100 किलोमीटर के रास्ते में
सुरक्षा कवच देना, इस तरह की वीवीआईपी जो 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 दौरे होते हैं उसमें कोई आसान काम नहीं है। तो उन तो कुल मिलाकर अगर अगर मैं अविनाश मोहनानी साहब की बात को मानूं तो वो ये कहते हैं कि एसपीजी को 100 किलोमीटर के रास्ते में सड़क मार्ग से ले जाने के फैसले को रिफ्यूज कर देना चाहिए था, ये उनका कहना है। और एसपीजी दोस्तों रिफ्यूज करती रही है, कई जगह रैलियों में जाने से, कई जगह किसी खास मार्ग में जाने से। तो अब सवाल उठता है कि जो एसपीजी की अपनी जो गाइडलाइंस हैं उसके क्या, उस गाइडलाइंस की जो एक 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 उसकी जो सोच है, उसकी जो एक समझदारी बनती है, क्या उसके साथ इस बार कोई कंप्रोमाइज किया गया? अगर कंप्रोमाइज किया गया तो वो कहां से और किसकी ओर से किया गया, एक बड़ा प्रश्न है। अब हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे सिर्फ हम तथ्य रख सकते हैं, हम कोई फैसला नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा काम नहीं है फैसला करना। और चूंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, 10 तारीख को फिर सुनवाई है, ऐसे में इंतजार करना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक वितंडा खड़ा किया जा रहा है, ये दूसरी खबर पर मैं आता हूं, जो पूरे देश में कहीं महामृत्युंजय जाप चल रहा है, कहीं चीफ मिनिस्टर्स कुछ राज्यों के पूजा अर्चना कर रहे हैं, कहीं बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, कहीं कुछ कहा जा रहा है, तो इस पूरे के पूरे शोर में मैं समझता हूं कि यह जरूर देखा जाना चाहिए कि कहीं इस मसले को, जो सुरक्षा में चूक का मसला है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन। और क्या पंजाब को लेकर, क्योंकि किसान आंदोलन जो हुआ था जिसमें सरकार ने एक तरह से अपनी बात से वो पीछे हटी और किसानों की बात माननी पड़ी, और उस किसान आंदोलन की जो मुख्य शक्ति थे वो पंजाब के किसान थे, तो कहीं राजनीतिक तौर पे लोगों को अगर ये लगता है, खासकर पंजाब के लोगों को लगता है कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है या उनको एक तरह से उनको घेरने के लिए इस तरह का वितंडा खड़ा किया जा रहा है, तो इसमें कितना दम है? और क्या यह सच है कि पंजाब की राजनीति में इस पूरी घटना से पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनको बहुत शुरू में समझा गया कि ये बहुत साधारण व्यक्ति हैं और ये इनकी बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत नहीं है, इनको सिद्धू साहब जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं पंजाब के, उनके बोझ तले ये दबे रहेंगे, राजनीतिक बोझ तले, क्योंकि वो बड़े हाई प्रोफाइल आदमी हैं और वो बहुत बोलने वाले भी हैं, ये बड़े शांत हैं, जब बोलते हैं तो बहुत संजीदा ढंग से बोलते हैं। तो क्या चरणजीत सिंह चन्नी को इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, इस पूरे विवाद के दौरान जो उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से उन्होंने पंजाब और पंजाबियत को डिफेंड किया, जिस तरह वो अटल खड़े रहे इस बात पर कि उनकी तरफ से कोई चूक हम लोगों ने नहीं की है, जो एजेंसियां इन्वॉल्व हैं इस सुरक्षा में जिनकी सर्वोपरि भूमिका होती है वो इसके बारे में जाने, हमने अपना काम किया है, प्रधानमंत्री जी की मर्यादा पर, उनकी इज्जत पर, उनकी शान में किसी तरह का कोई हमने कमी नहीं छोड़ी है। तो अब सवाल इस बात का है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह से किसानों के बीच में, मध्य वर्ग के लोगों के बीच में, दलित समाज के बीच में, जाट सिखन के बीच में, तो क्या यह माना जाए कि पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक कद उनका अचानक उठ गया है, वो पंजाब के हीरो की तरह उभर कर आए हैं, क्योंकि पंजाब को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही थी ऐसा लोगों को समझ में आ रहा है, खासकर पंजाब के लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, न जाने किन किन प्रदेशों में जो महामृत्युंजय जाप हो रहा है, जो बयानबाजी की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताई जा रही है, कहीं खालिस्तानी षड्यंत्र बताया जा रहा है, कहीं न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो क्या ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, और उसी में हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी का कारवां जब रुका हुआ था, जब उनका काफिला कन्वॉय रुका हुआ था, उस समय बीजेपी का झंडा लेकर बहुत सारे लोग हिमाचली टोपी पहनकर बीजेपी का झंडा लेकर भी नारा लगाने लगे, और प्रधानमंत्री जी शीशे से उनकी तस्वीर दिखाई दे रही थी, उनका अक्ष दिखाई दे रहा था, तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी का पंजाब की आवाम को, पंजाब के किसानों को, पंजाब
के लोगों को और पंजाबियत को जो उसके पक्ष में जो उनका खड़ा होकर बोलना है और लगातार उस पर टिके रहना है, क्या इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ा है? एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आगे आने वाले चुनाव के दौरान दिखेगा। और चूंकि चुनाव में इस बार रैलियां कम होंगी या रैलियां 15 जनवरी तक तो बिल्कुल प्रतिबंधित हैं, अब देखना है कि आगे सियासतदान पंजाब की सियासत में कैसे हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब और पंजाबियत के ध्वजवाहक के रूप में अचानक इमर्ज किए हैं। उनको चाहे जितना दूसरे लोग, दूसरी पार्टियां, दूसरे सियासतदान जितना उनको परेशान करने की उनकी मंशा हो, लेकिन पंजाब और पंजाबियत के बीच में उनका जरूर सिक्का बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, ऐसा ऑब्जर्वर मानते हैं, पंजाब के भी लोग मानते हैं। कितना हुआ है ये जवाब पंजाब की जनता देगी, चुनाव के दौरान देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या इसी से जुड़ी, कि क्या इसका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे इलाकों में क्या भारतीय जनता को पार्टी को फायदा मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चीजें पंजाब में हुई हैं उसकी असल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह अच्छी तरह मालूम है कि पंजाब में उसकी कोई खास हैसियत नहीं रह गई है, और अगर जो पब्लिक रैली, जो रैली को एड्रेस करना था प्रधानमंत्री को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि उसकी संख्या उस रैली में लोगों की इतनी कम थी कि एक तरह से बहाना बनाया गया है, ये पूरे के पूरे वितंडा खड़ा किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से जाने के बजाय सड़क मार्ग से जाने का फैसला जो किया गया राजनीतिक दलों द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा या जिनके द्वारा भी किया गया हो, शायद इसीलिए किया गया कि वहां पर लोग नहीं आए थे जितने लोगों के आने का अंदाज लगाया जा रहा था। तो क्या हम माने कि पंजाब को बीजेपी ने लगभग मान लिया है कि वहां उसको कुछ खास नहीं मिलने वाला है, और ऐसी स्थिति में वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर पंजाब के घटनाक्रमों को लेकर एक राजनीतिक एक कोटी बिछाना चाहती है, वो एक चाहती है कि इसका असर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मध्यवर्गीय लोगों पर खासकर पड़े, लोगों के सेंटिमेंट्स पर पड़े कि प्रधानमंत्री जी के साथ ऐसा हो गया, उनकी मर्यादा, उनकी शान में कमी लाई गई, ये पंजाब के लोगों ने किया, तो एक तरह से पंजाब का बदला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टी को उसका फायदा मिले। तो क्या यह भी एक स्ट्रेटजी है? यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में आगे इस पहलू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जो सियासी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी क्या पोजीशन होती है, उनका क्या स्टैंड होता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात जो मैं हफ्ते की बात में आपके सामने रखना चाहता था। और बिल्कुल आखिर में दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा कि चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, और ये जो चुनाव हैं 7 फेज में हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रदेश में 7 फेज में हो रहा है। ये उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होगा सिर्फ एक फेज में, मणिपुर में 2 फेज में होगा, उत्तर प्रदेश में जाहिर है बहुत लंबा होगा 7 फेज में, और 10 मार्च को काउंटिंग होगी, यानी जो भाग्य का फैसला, क्या 5 राज्यों के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कौन हारा कौन जीता, इसका पता 10 मार्च को चलेगा। 10 फरवरी को पहला मतदान होगा, यानी एक महीने के दरमियान मतदान और काउंटिंग के बीच में टोटल एक महीना होगा। 10 मार्च को पहला मतदान होगा, फिर उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी, 20 फरवरी वगैरह वगैरह, तो 7 चरणों में मतदान होगा। आखिरी जो मतदान होगा उत्तर प्रदेश में वो 7 मार्च को होगा। बहुत ही दिलचस्प है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गोवा में 40 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 हैं, मणिपुर में 60 हैं, पंजाब में 117 हैं, यूपी में 403 हैं। इस बार 2,15,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 18.3 करोड़ मतदाता भाग लेंगे इस चुनाव में, और 29% मतदाता फर्स्ट टाइमर हैं उत्तर प्रदेश में, जो पहली बार मतदान करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश में, गोवा में, हर जगह 15 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी रैली, किसी भी रोड शो को रोक दिया है। वर्चुअल ढंग से लोग अपनी बात कहेंगे मतदाताओं से, तो जाहिर है बड़ी पार्टियों को इसका फायदा मिलेगा। यह सही है कि कोरोना प्रोटोकॉल में यह जरूरी था,
या कितना जरूरी था, क्या नुक्कड़ सभाएं की जा सकती थी प्रोटोकॉल कोरोना का मेंटेन करते हुए मास्क लगाकर या और तरह के तरीके इजाद कर। लेकिन एक बात जरूर है कि प्रिकॉशन जरूरी थे, लेकिन क्या ये जो तय किया गया है कि नुक्कड़ सभा भी नहीं होगी, तो इससे छोटी पार्टियां जिनके पास पैसा कम है, जिनके पास टेक्निक कम है, समझदारी कम है, उनको जाहिर है घाटा लगेगा। और दूसरी बात दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि चुनाव खर्च जो है वो बढ़ा तो है, लेकिन उनका कहना है कि मनी पावर का मिसयूज जो है हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। तो हम आगे जरूर देखेंगे कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन अपनी जो बात है, अपने जो शब्द हैं, उसको वाकई अपने कर्म में, अपनी करनी में उतारता है, या सिर्फ ये जो शब्द हैं ये कागज पर दर्ज होने वाले कुछ बयान भर हैं। तो दोस्तों हफ्ते की बात में आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।